तो आज हम बात करेंगे टाटा की जबरदस्त स्कीम के बारे में, जिसने अपने निवेशकों को 18% के आसपास का रिटर्न दिया है, एक बहुत शानदार रिटर्न दिया है। जहां टाटा का नाम होता है वो सिग्निफाई करता है एक ऑनेस्ट बिजनेस को, एक भरोसे के नाम को। तो टाटा AMC इसको मैनेज करती है और इस फंड का नाम है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। इस फंड का ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन है, यानी कि लंबे समय के लिए ये फंड निवेश करता है IT कंपनीज में और उससे कैपिटल एप्रिसिएशन या फिर रिटर्न जनरेट करता है। ये फंड इक्विटी कैटेगरी को बिलोंग करता है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में मेनली निवेश करता है। इसका बेंचमार्क निफ्टी IT है। इसके फंड मैनेजर मीता शेट्टी हैं। मीता शेट्टी काफी समय से इस फंड को मैनेज कर रही हैं। किसी भी फंड में अगर फंड मैनेजर ज्यादा समय के लिए मैनेज करता है तो उसे पता होता है कि इस फंड की मूवमेंट क्या है, कैसे इसको मैनेज करना है। तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट है कि इस फंड की मैनेजर 2-3 साल से इसको मैनेज कर रही हैं, तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव बात है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आपको इस फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं, क्या इसकी डिटेल्स हैं, क्या वो बारीकियां हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, इसका रिटर्न क्या रहा है, इसमें रिस्क क्या है और क्या इसकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बारीक बातें हैं जिस पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। तो इस फंड की नैव है हो, और अगर आप इस फंड की परफॉर्मेंस देखें तो ये फंड स्टार्ट हुआ था 2015 में और उस समय इसकी नैव थी 9 रुपए के आसपास और तब से लेकर अब तक इस फंड में एक अपवर्ड स्विंग रहा है। 2020 के बाद लगातार इस फंड ने बहुत ही उमदा परफॉर्मेंस दी है और इसकी नैव हो गई 40.69 के अराउंड 2022 में। इसके बाद इसने गिरावट दर्ज की और यहाँ पर आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको लोअर लेवल पर खरीद सकते हैं। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 5,888 के अराउंड है, जो कि आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन ये एक सेक्टोरियल फंड है तो सेक्टोरियल फंड में ज़्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट हो तो उसको मैनेज करना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस समय पर इसका AUM आप ठीक कंसिडर, यानी कि पॉजिटिव साइन पर इसको कंसिडर कर सकते। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 2% है। अगर एक्सपेंस रेशियो 1.5% से ज़्यादा होता है तो वो अक्सर हायर साइड पे या फिर हायर रेशियो में कंसिडर किया जाता है। तो ये फंड स्टार्ट हुआ था 28 दिसंबर 2015 को और तब से इसका रिटर्न जो रहा है 18.18%। तो अगर इस फंड के रिटर्न की बात करें, आप अगर सिर्फ मात्र 10,000 की SIP इसकी इंसेप्शन डेट पर स्टार्ट करते तो मंथली SIP हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं और इसका जो रिटर्न हमने लिया है वो 18.18% लिया है, जो कि इसका सिंस इंसेप्शन रिटर्न है। और अगर मात्र आप 5 साल के लिए अपनी SIP इसमें करते तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती 6 लाख की, तो इस पे आपकी जो टोटल वैल्यू होती वो होती 9,62,000 के अराउंड। तो 6 लाख रुपए लगा के आपका 10 लाख के करीब का फोकस इसमें इकट्ठा हो जाता। अगर एक आसान भाषा में समझे तो 6 लाख अगर आप 5 साल में इसमें जोड़ते तो आपको 4 लाख का इस पर प्रॉफिट होता। और अगर मात्र 1 लाख की आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते इसकी इंसेप्शन डेट पर तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमने लिया 18.18%। अगेन जो इसने रियल रिटर्न अपने इस टेन्योर में दिया है उसी को हमने कंसिडर किया है और सिर्फ आप 5 साल के लिए करते वैल्यू हो जाती, वो हो जाती 2,30,000 के अराउंड। 1 लाख आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट और आपका जो रिटर्न रहता वो 1,30,000 के अराउंड रहता। इस फंड में मिनिमम आप 5,000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट, और SIP मात्र आप 150 रुपये से 150 रुपये से शुरू कर सकते हैं। अब इस फंड के पोर्टफोलियो के बारे में जान लेते हैं। तो आप देखेंगे कि इसने जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो सभी नामी गिरामी IT सेक्टर की कंपनीज में है। तो आप देखेंगे इन्फोसिस और TCS में इसकी मेजर इन्वेस्टमेंट है 25% और 13%। तो इस फंड का अगर आप शुरू की 5 कंपनीज हैं, 4 कंपनीज हैं उसी में इसकी मेजर इन्वेस्टमेंट है, तो जैसा ये 4-5 कंपनीज परफॉर्म करेंगी उसकी परफॉर्मेंस इस फंड के ओवरऑल परफॉर्मेंस रहेगी। सेक्टर एलोकेशन की बात करें
तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड है, तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही ज़्यादातर इन्वेस्ट करता है। एसेट एलोकेशन की बात करें तो ये इक्विटी में 91.59%, क्योंकि ये इक्विटी फंड है तो इसकी मेजर इन्वेस्टमेंट इक्विटी फंड में 91 के अराउंड, बाकी इसकी कैश और कैश रिलेटेड कंपोनेंट्स में है। और अगर आप इक्विटी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं और किसी सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सेक्टोरियल फंड्स हमेशा बहुत ही ज़्यादा रिस्की फंड होते हैं, और अगर आप इन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा आपको एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए और आपको उसका पोर्टफोलियो देख लेना चाहिए कि क्या उसका पोर्टफोलियो है। तो आप इसके पोर्टफोलियो में आपने देखा होगा ज़्यादातर इसमें लार्ज कैप स्टॉक्स ही हैं, कोई मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स इसमें ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप आता है उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर इस फंड ने अपनी ओवरऑल रिस्क को कहीं ना कहीं कम करने का एक कोशिश की है, एक भरोसा दिखाया है। तो टॉप सेक्टर कंपनीज जैसा परफॉर्म करेंगे इस फंड का परफॉर्मेंस वैसा ही रहेगा। तो इस फंड के लिए हमारी तरफ से एक ग्रीन सिग्नल है। आप इसमें अगर आप सेक्टोरियल फंड में थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेकर रिस्क एपेटाइट पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं इक्विटी सेक्टर में, तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ मल्टी कैप वेल्थ।